किसी समय की बात है, एक नगर में दीनानाथ नामक एक सेठ रहता था। वह बहुत कंजूस था। एक दिन दीनानाथ कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने एक आम का पेड़ देखा जिस पर पके हुए फल लगे थे। पके आमों को देखकर सेठ के मुंह में पानी भर आया और वह आम खाने की इच्छा से पेड़ पर चढ़ गया। उसके मन में घबराहट हो रही थी कि कोई देख न ले। इतने में किसी आदमी के आने की आहट सुनकर वह घबरा गया और जल्दी जल्दी पेड़ से उतरने की कोशिश करने लगा, परंतु पेड़ ऊंचा था, वह उतरने में कठिनाई अनुभव कर रहा था। इस तरह विपत्ति में पड़ा हुआ सेठ दीनानाथ ने मन ही मन ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, मैं गरीब आदमी हूँ, 1000 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकूँगा, मैं केवल 500 ब्राह्मणों को भोजन कराऊँगा, मुझे नीचे उतार दो। कुछ और नीचे उतरने पर उसकी नीयत फिर बदली और इस प्रकार नीचे आते आते उसकी नीयत में फर्क आता चला गया। अंत में जब वह उतर गया, उसने कहा, हे भगवान, मैं केवल एक ही ब्राह्मण को भोजन करा सकता हूँ। जब वह घर आया तो उसे दूसरी चिंता सताने लगी कि ब्राह्मण तो बहुत अधिक खाते हैं। फिर वह अनेक ब्राह्मणों के पास गया और उनसे भोजन की मात्रा के बारे में पूछने लगा, तो उन्होंने काफ़ी मात्रा की मांग की। अंत में एक ब्राह्मण मिला जो अल्पाहारी था। उसने केवल 100 ग्राम आटा और 1 चम्मच नमक पर्याप्त हो गए। यह सुनकर सेठ प्रसन्न हुआ और दूसरे दिन के लिए निमंत्रण दे आया। फिर विचार करने लगा, उसे भोजन करते हुए कैसे देखा जाए। दूसरे दिन वह सेठानी से यह कहकर चला गया कि अमुक ब्राह्मण जो मांगे दे देना, और पूरे दिन नहीं लौटा। जब ब्राह्मण ने देखा कि सेठ घर पर नहीं है तो सारा रहस्य समझ गया और सेठानी से भोजन सामग्री की मांग की। उसने सारी व्यवस्था कर दी। स्वादिष्ट और बहुमूल्य भोजन पाकर ब्राह्मण ने पूरी कसर निकाली और अंत में दक्षिणा स्वरूप 10 अश्रफियों की मांग की और कहा कि सेठ जी से ये सारी बातें पहले ही तय हो गई थी और सहमत हो गई। सेठानी ने दक्षिणा सहर्ष दे दी, क्योंकि सेठ ने सवेरे सेठानी को संक्षिप्त बात ही बताई थी। ब्राह्मण खुशी खुशी चला गया। रात को जब सेठ घर लौटा तो सेठानी ने सारी बात बता दी। बात सुनकर सेठ जी बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो सोचने लगे, मुझे मेरी नियत का फल मिल गया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।